महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है आपके लिए इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। मंगल 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 मंगल। 8 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लहू से अंकित अमिट दिन है। 1857 में आज ही के दिन अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी थी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीस लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैली कि कारतूस की चिकनाहट में या तो गाय या सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। यही मौका है, इस बार या उस बार। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना बुझेगी किसी के बुझाए। मंगल पांडे ने दो अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम साहसी और निर्भीक मिजो स्वतंत्रता सेनानी रोपोई लियानी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महान मिजो चीफ लाल सावुंगा की पुत्री रोपोई लियानी का जन्म 1828 में हुआ था। उनका विवाह दक्षिण लुशेई पहाड़ियों के मुखिया वांडुला से हुआ था। सन 1890 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने कुछ मिजो इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हालांकि मिजो प्रमुखों ने ब्रिटिश सेना का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। रोपोई लियानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रमुख के अधिकार अपने हाथों में ले लिए और अपने गांव रालवांग से शासन शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और लोगों को अंग्रेजों का आदेश ठुकराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से कहा, आप सबने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन मैं लाल सावुंगा की पुत्री यहाँ डटी हूँ। हम कभी भी विदेशी शासकों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे। रोपोई लियानी अंग्रेजों के विरुद्ध मिजो विद्रोह का शक्तिपुंज और मिजो लोगों को एकजुट करने का प्रतीक बन गयी। उनके प्रतिरोध से क्रोधित अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए। एक मुकाबले में लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट दो अन्य ब्रिटिश सिपाहियों के साथ मारा गया। रोपोई लियानी और उनके पुत्र लाल थुआमा पर अन्य प्रमुखों को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया गया। बाद में ब्रिटिश सैनिक रोपोई लियानी को गिरफ्तार करने में सफल हो गए। गिरफ्तारी के बाद भी अंग्रेजों को भय था कि एक बंदी के रूप में रोपोई लियानी को देखकर स्थानीय लोगों में तनाव और आक्रोश बढ़ेगा। 8 अप्रैल 1894 को चटगांव जेल में उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया और लगभग 2 साल तक बंदी रखा गया। 1895 में कारागार में ही रोपोई लियानी की मृत्यु हो गई। अपने पीछे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक विरासत छोड़कर उन्होंने विदा ले ली। स्वदेश की माटी की इस महान पुत्री को हमारा भावभीना नमन। आज
हम महान क्रांति दूत साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं। वे बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाने जाते थे। 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हुआ था। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में वो सदा सर्वदा याद रखे जाएंगे। बंकिम चंद्र का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। स्नातक उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद वो बंगाल में डेप्यूटी कलेक्टर बनाए गए। बंकिम चंद्र ने पद्य लेखन के साथ अपना साहित्यिक सफर शुरू किया था। बांग्ला भाषा में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है आनंद मठ, जो प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास में ही वंदे मातरम गीत संकलित है, जिसे बाद में हमारे राष्ट्र गीत का दर्जा मिला। बंकिम चंद्र अपनी साहित्यिक कृतियों और अभियानों से बांग्ला भाषी लोगों की बौद्धिकता को उद्वेलित कर बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाना चाहते थे। उनके उपन्यास देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हुए। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी साहित्यकार को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।